दोस्तों, हमने अपने पिछली वीडियो में ब्रह्मांड की दुनिया को एक्सप्लोर करने के बारे में जाना था, जिसमें हमने पृथ्वी से अंतरिक्ष में सफर करते हुए सौर मंडल के सभी ग्रहों को करीबी से देखा था और सभी ग्रहों के नेचर के बारे में जाना था। और सफर करते हुए हम सौर मंडल के आखिरी ग्रह नेपच्यून तक पहुँच गए थे। लेकिन ये ब्रह्मांड बहुत ही विशाल है और अभी तक हमने ब्रह्मांड के सफर का 5% भी कवर नहीं किया है। और आज की वीडियो में हम जर्नी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे और चलेंगे ब्रह्मांड की दुनिया के आखिरी छोर तक, जहां हम जानेंगे करोड़ों गैलेक्सीज, ब्लैक होल, एक्सोप्लैनेट और ब्रह्मांड की सबसे पुरानी गैलेक्सी को भी। तो मेरा नाम है गौरव, चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मांड टीवी के आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, हम अपनी जर्नी को नेपच्यून से होते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने आती है क्विपर बेल्ट, जो एस्ट्रॉइड बेल्ट के जैसी ही दिखाई देती है, लेकिन यहाँ मौजूद एस्ट्रॉइड की संख्या बहुत ही ज्यादा है और यह सभी चट्टाने बर्फ की मोटी लेयर से ढकी हुई है, जो निरंतर सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। और इन्हीं में छुपा है प्लूटो, जो एक समय में हमारे सौर मंडल का ही हिस्सा था, जो अपने ऑर्बिट पाथ को साफ ना रखने के कारण ग्रह की श्रेणी से बाहर हो गया था। अगर हम प्लूटो के करीब जाएं, तो हमें यह दिल की शेप का समुद्र दिखाई देगा, जो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। सफर को आगे बढ़ाते हैं। अब हम सौर मंडल के अंत तक पहुंच चुके हैं, जहां हमें दिखाई देते हैं कई सारे कॉमेट्स यानी धूमकेतु। जिस तरह एस्ट्रॉइड बेल्ट और क्विपर बेल्ट है, वैसे ही सौर मंडल के अंत में कॉमेट्स मौजूद हैं, जो कई हजारों की तादाद में सूरज को ऑर्बिट कर रहे हैं। अगर आप लकी रहे तो आपको फेमस हेलीज कॉमेट भी देखने को मिल सकता है, जो हर 75 साल बाद पृथ्वी से होकर गुजरता है। कॉमेट्स को पार करते हुए हमें आगे दिखाई देंगे मानव इतिहास में बनाए गए अब तक के सबसे अनोखे स्पेस प्रोब वॉयजर 1 और वॉयजर 2, जो करीब 45 सालों से अंतरिक्ष में सफर कर रहे हैं और आज वे दोनों इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर कर चुके हैं। वॉयजर 1 और वॉयजर 2 के ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप ऊपर आई बटन पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम इतने आगे आ चुके हैं कि हमारा सौर मंडल लगभग खत्म हो चुका है। यहाँ सूरज की रोशनी भी बहुत ही कम हो चुकी है और सूरज की ग्रेविटी भी कमजोर हो चुकी है। ऐसा लग रहा है मानो हम अपने घर से बहुत ही ज्यादा दूर एक अनजान जगह आ गए हैं, लेकिन हमें अपना सफर जारी रखना है। सफर में आगे अब हम ऐसी जगह आ गए हैं जहां दूर दूर तक हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अब हम एंटर कर चुके हैं इंटरस्टेलर स्पेस में और हमें अब अपने स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को लाइट की स्पीड के जितना करना पड़ेगा। अगर आप इंटरस्टेलर स्पेस के बारे में नहीं जानते तो दोस्तों, एक तारे से दूसरे तारे के बीच की में जितना खाली स्पेस होता है, उसे हम इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। इस बीच हमें बिल्कुल ही खाली स्पेस नजर आएगा, जो काफी ज्यादा डार्क और गहरे अंधेरों से घिरा हुआ है। यहाँ सूरज की रोशनी को भी पहुँचने में कई सालों का समय लग जाता है, इसलिए हमें पृथ्वी से दूर के तारे एक डॉट के जैसे नजर आते हैं। लेकिन यहाँ भी सूरज की ग्रेविटी का असर महसूस होता है, जहाँ हमें छोटे छोटे कॉमेट्स की लेयर दिखाई देती है, जो एक बहुत ही बड़े बादल जैसे दिखाई देती है, जिसे हम कहते हैं ओट क्लाउड। यहाँ से आगे बढ़ने पर हम एक ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहाँ हमें नेकेड आई से कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, दूर दूर तक बस अंधेरा। अगर हमें दूर दूर की चीजें देखनी है तो हमें जरूरत पड़ेगी इंफ्रारेड विजन की, जिससे हमें देखने पर ब्रह्मांड कुछ इस तरह दिखाई देगा, जहाँ हमें कुछ ऐसे ग्रह दिखाई देंगे जो पूरी तरह बेजान है। इनके पास ना ही कोई चांद है और ना ही कोई तारा जिसको वह ऑर्बिट कर सके। इन ग्रहों को वैज्ञानिक रोग प्लैनेट कहते हैं और 2021 तक कुल 170 के करीब ऐसे रोग प्लैनेट को खोजा जा चुका है, जो इंटरस्टेलर स्पेस में अपने अनजान सफर में इधर उधर घूम रहे हैं। सफर में आगे बढ़ते हैं और अगले पड़ाव में हमें दिखाई देगी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जो कुछ ऐसी दिखाई देगी। यहाँ चमकता हुआ हर एक बिंदु तारा है, जिसके पास अपना सौर मंडल है। अगर आप मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में देखेंगे तो हमें दिखाई देगा ये गैलेक्टिक सेंटर। असल में यहाँ मौजूद है विशाल ब्लैक होल, जिसे सेजिटेरियस ए कहा जाता है। सेजिटेरियस ए ब्लैक होल की ऑफिशियल पिक भी हाल ही में इवेंट होराइजन के द्वारा रिलीज की गई है, जिसमें हमें सेजिटेरियस ए का कुछ ऐसा लुक दिखाई देता है। अब हमने सफर का एक पड़ाव पूरा कर लिया है, जहां हमें अब अपनी गैलेक्सी को छोड़कर आगे बढ़ना है। अब हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे पास की गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देखते हैं, जो बेहद ही बड़ी है और हमारी गैलेक्सी से 2.5 करोड़ लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है।
और वैज्ञानिकों का भी कहना है कि एंड्रोमेडा बहुत ही तेजी से हमारी गैलेक्सी की ओर बढ़ रही है, जो 4.5 अरब सालों बाद हमारी गैलेक्सी से टकरा जाएगी। अगर आप एंड्रोमेडा से नजर हटाएंगे और चारों तरफ देखोगे तो हमें एंड्रोमेडा जैसी करोड़ों गैलेक्सीज दिखाई देंगी, जो ब्रह्मांड में चारों तरफ फैली हुई है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में दूर जाते जाएंगे, वैसे ही हमें कई सारी अलग अलग टाइप की गैलेक्सीज दिखाई देंगी। और दोस्तों, यही सारी गैलेक्सीज मिलकर एक लोकल ग्रुप बनाती है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ऐसे ही लाखों लोकल ग्रुप मिलाकर एक क्लस्टर को बनाते हैं। और यहाँ हमें दिखाई दे रही एक एक लाइट डॉट अपने आप में ये गैलेक्सी है, और हर गैलेक्सी में करोड़ों तारे और अरबों ग्रह मौजूद हैं। इसी तरह ये सारे लोकल ग्रुप मिलकर एक क्लस्टर को बनाते हैं, और ठीक वैसे ही कई सारे क्लस्टर मिलकर एक बहुत ही बड़े सुपर क्लस्टर का निर्माण करते हैं। और वैज्ञानिकों का भी मानना है कि 1 करोड़ से भी ज्यादा बड़े सुपर क्लस्टर मिलकर पूरे ब्रह्मांड को बनाते हैं। और यहीं तक हमारी साइंस की सभी सीमा खत्म हो जाती है। इससे आगे हम अभी तक नहीं देख पाए हैं कि आगे क्या है, इसीलिए हम इसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, जो 92 बिलियन लाइट ईयर तक फैला हुआ है और हर सेकंड ब्रह्मांड बढ़ता जा रहा है। अगर आप पृथ्वी से होते हुए ब्रह्मांड को एक नज़र में देखना चाहते हैं तो ये इमेज आप गौर से देखिए। इसमें ब्रह्मांड भी एक बहुत ही बड़े विशाल बॉल जैसा दिखाई देता है, जो वैज्ञानिकों ने अभी तक मिले सभी डेटा को मिलाकर बनाया है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, और पृथ्वी में मौजूद इस छोटी सी दुनिया से हमने पूरे ब्रह्मांड को इतना एक्सप्लोर कर लिया है। तो दोस्तों, ब्रह्मांड के सफर में आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए ब्रह्मांड टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।